हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR एकेडमी। आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने अल्काइल हैलाइड के सारे प्रिपरेशन रिएक्शंस सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन जो चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में इंट्रोडक्शन जब हम लोग कर रहे थे तभी बोला था कि एक पार्ट हमारा अल्काइल हैलाइड में डील करता है और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा एरीन हैलाइड में डील करता है। एरीन हैलाइड बोलो या एराइल हैलाइड बोलो, एक ही बात होती है। तो देखते हैं, मतलब आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं किसका, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन का, ठीक है। सेकंड पार्ट मतलब हेलो एरीन्स, ठीक है। अब हेलो एरीन्स बोलो या एराइल हैलाइड बोलो या फिर इसी को हम लोग एरीन हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेजर जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन का, उसमें ऐसा पकड़ के चलो कि 75% जो पार्ट है वो अल्काइल हैलाइड का, बचे हुए जो 25% है रिएक्शंस वो हमको हेलो एरीन का देखना है। अब ये चीज़ें हैं क्या, एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स या एरीन हैलाइड बोले, या इनको हम लोग ऐसे भी अगर बोले तो गलत नहीं होगा, दैट इज एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है। ये सारी चीजें होती क्या है, देखो अगर हम लोग लेके चलें तो कभी भी एरीन्स बोला जाएगा तो एरीन्स रिलेट करता है एरोमेटिक कंपाउंड को। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं ये हमने 11th में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जब भी आएगा तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारे दिमाग में क्या आता है, बेंजीन, ठीक है। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड बहुत हैं, जैसे बेंजीन है या नैप्थलीन है या फिर हम एंथ्रासीन वगैरह लेके चलें, ये सारे क्या है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड। बट बेसिकली जो हमारा पोर्शन है वो डील करता है किसमें, बेंजीन में। कहीं पे भी ये वर्ड अगर गलती से दिख रहे हैं, एरीन्स, एराइल या फिर एरोमेटिक कंपाउंड, तो फिलहाल 11th 12th के पोर्शन के लिए हमको क्या अज्यूम करके चलना है, बेंजीन, ठीक है। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, C6H6, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको ऐसे कंपाउंड देखने हैं जहाँ पे बेंजीन तो होगा बट बेंजीन अकेला नहीं होगा, उसके ऊपर क्या लगे होंगे, हेलो मतलब हैलोजन, मतलब इस ग्रुप को हम लोग हेलो एरीन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो द एरोमेटिक कंपाउंड विथ हैलोजन या इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन आर कंसिडर्ड एज हेलो एरीन्स। अब हमको यहाँ पे यही देखना है कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इनके कौन कौन से प्रिपरेशन के मेथड हैं, ठीक है। तो पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड से अलग क्यों होते हैं। अगर हम बोले हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, इन दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे एल्काइल बोला जा रहा है मतलब नॉर्मल कार्बन की चेन हो सकती है, इट मे बी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, बट नॉर्मल कार्बन की चेन होगी। बट एराइल मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला, फिक्स होगा कि ये बेंजीन की रिंग होगी, ठीक है। सपोज करो इस पे BR लगा देते हैं। अब कुछ चीजें पहले स्टार्टिंग से ही पता करके रखो तो आगे जो रिएक्शंस होंगे वो थोड़े से इजी पड़ जाएंगे हमको। अब होता क्या है, देखो हैलोजन कोई भी ले लें हम लोग, फ्लोरीन ले लें, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि हैलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कोई भी हैलोजन अगर हम लें तो उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लिया हुआ है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7th है इसका, यहाँ पे जो BR है ये ऐसे, ठीक है। अब हेलो एरीन्स में क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इजीली डाइपोल जनरेट हो जाता है, इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, वो चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलती है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे अगर जो हमको लोन पेयर दिख रहे हैं, ये लोन पेयर इस रिंग के साथ रेजोनेट करते हुए मिल जाते हैं, ये रेजोनेंस में होते हैं हमेशा,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होता है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड है सिग्मा, अब यहाँ पे डबल बॉन्डेड कैरेक्टर मतलब एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया, तो ये जो बॉन्डिंग होती है ये कंपेरेटिवली क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, और यहाँ वाली काफ़ी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोले कि इन दोनों में मुझे रिएक्टिविटी बताओ कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है या कम है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्काइल हैलाइड, अब देखो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक कर सकता है ना, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और इसकी रिएक्टिविटी कम होगी इसके कंपेयर में, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये कम रिएक्टिव होगा। तो इस वजह से हमारे बुक में क्या होता है कि जो हमारा पोर्शन है उसमें एराइल हैलाइड हैं तो उनके रिएक्शंस भी हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपेरेटिवली जो नॉर्मल आरएक्स ग्रुप है इनके रिएक्शन ज़्यादा मिलेंगे हमको। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं और हर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी और डबल बॉन्डेड कैरेक्टर की वजह से ये मॉलिक्यूल कम रिएक्टिव होते हैं। तो बहुत रे बहुत मान लो कि अगर इनके 100 रिएक्शन है तो इनको इनके अपने को 40-50 ही रिएक्शन देखने के मिलेंगे, ये एवरेज निकल के आता है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं कि हेलो अरेंज होते क्या, इनका नॉमेनक्लेचर प्रिपरेशन कैसे होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग हेलो अरेंज को डिवाइड करें, ठीक है, तो जैसे अल्काइल हैलाइड हमने डिवाइड किया था मोनो हैलोजनेटेड वैसे करके, तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेजरली अगर लिखा जाए तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, दूसरे क्या हो सकते हैं, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा कि हमारे पास बेंजीन की रिंग होगी उसमें हैलोजन लगा होगा, बट हैलोजन कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, सिंपल सा एक वर्ड में। ठीक, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि पॉली हैलोजन में एक क्या ले सकते हैं हम लोग, डाई हैलोजन जिसमें दो हो सकते हैं, या फिर ट्राई हैलोजन जिसमें तीन होंगे, और क्या बोल सकते हो, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, या फिर अगर चार से ज़्यादा होते हैं तो डायरेक्ट हम लोग किस में लेके जाते हैं, पॉली हैलोजन्स। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, देखो यहाँ पे दो हैलोजन लगा दिए, किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं, यहाँ पे दो लगा दिए। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा कि मान लो तीन हैलोजन लग गए ऐसे, ठीक है, टेट्रा हैलोजन में हम चार लगा देते हैं, मतलब टेट्रा हैलोजन बोलते ही ये हमको समझ में आता है कि जो एरीन होगा उसमें एटलीस्ट चार हैलोजन वहाँ पे फिक्स लगे होंगे, और पॉली हैलोजन में तो क्या हो गया, चार से ज़्यादा अरेंज कर देते हैं अगर मान लीजिए, उसको हम लोग पॉली हैलोजन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इनसे बने हुए कुछ नॉमेनक्लेचर देखते हैं, प्लस आईयूपीएसी नेमिंग में इनका क्या फॉर्मेट है, कॉमन नेमिंग में इनका क्या फॉर्मेट है, प्लस कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो जनरली यूज़ आते हैं, तो वो सब नाम मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ। वो हमको कभी कभार एग्ज़ाम में डायरेक्टली उनका कॉमन नेम भी आ सकता है और आईयूपीएसी नेम भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखते हैं पहले, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ ये मोनो हैलोजन है या डाई हैलोजन है, तो देखने का सिंपल सा, एक हैलोजन लगा हुआ है तो ये क्या होगा, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अब किसी भी हैलोजन डेरिवेटिव का दो टाइप से नेमिंग हो सकती है, एक तो उनका आईयूपीएसी नेमिंग हो सकता है, दूसरा उनका कॉमन नेम हो सकता है। ठीक है, अब देखो आईयूपीएसी नेम क्या करता है, नंबर्स में डील करता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वन क्लोरो बेंजीन, ये हमारा हो गया। ठीक है, कॉमनली अगर इसको लिखना है तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, क्लोरो बेंजीन।
ठीक है, दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है, मान लो कि इस पे हम लोग दो क्लोरीन लगा देते हैं इसमें, तो इसका आईयूपीएसी का क्या फॉर्मेट हो जाएगा? आईयूपीएसी में इसका क्या फॉर्मेट यूज करेंगे? ये वन, ये टू, हमको मिनिमम नंबर लेके चलना होता है काउंटिंग के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1.2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। जबकि इसी चीज को हम लोग अगर कॉमन नेमिंग में लिखना है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक क्लोरीन को हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसे देखो, हमको सिखाया गया इलेवेंथ के पोर्शंस में, जब हम लोग बेंजीन की नेमिंग पढ़ते हैं तो ऐसे हमको सिखाया जाता है। सपोज करो बेंजीन के पास दो ग्रुप है, यहाँ पे OH लगा लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो ये OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन क्या है, छोटा ग्रुप है, राइट। अब ये इसमें मेजर ये ग्रुप है, तो इस ये क्या होता है, ये पेरेंट चेन के साथ काउंटिंग में आता है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन क्या हो जाती है, ऑर्थो, ये वाली पोजीशन क्या होगी, मेटा, ये भी क्या होगी, मेटा, ये क्या हो जाएगी, ठीक है। तो फिक्स होता है, कभी भी बेंजीन की रिंग आएगी, जो उसमें बड़ा ग्रुप होगा वो ऑर्थो और मेटा हो, मतलब बड़ा ग्रुप जो होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ऑर्थो, मेटा और पैरा डिसाइड करते हैं। तो ये पोजीशन फिक्स नहीं होती है, जैसे मान लो बड़ा ग्रुप यहाँ पे लग गया, ठीक है, और छोटे ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं ऐसे, तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये मेजर ग्रुप है, तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा और ये पैरा हो जाएगा। मतलब ऑर्थो, मेटा, पैरा फिक्स पोजीशंस नहीं है, वो ग्रुप डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे बड़ा ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो यही इनका कॉमन नेमिंग का फॉर्मेट होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों क्लोरीन है, अब मान लो इसको अगर हम लोग मेजर ग्रुप कंसिडर करें, तो ये ऑर्थो पोजिशन है, ये भी ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो अब हम लोग क्या कर ले, देखो एक क्लोरीन तो ग्रुप के पोजीशन पे, दूसरा ऑर्थो पोजीशन पे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ओ डाइक्लोरो बेंजीन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक को तो मैं ग्रुप पोजीशन पे ले रहा हूँ और दूसरे वाले क्लोरीन किस पे, हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे, तो ओ और डाइक्लोरो बेंजीन। थर्ड देखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो ब्रोमीन होता और यहाँ पे क्लोरीन होता, तो एक ही स्ट्रक्चर में जब दो हैलोजन आते हैं तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, राइट। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ब्रोमीन पहले, फिर ये, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखो वन पे ब्रोमो है हमारे पास और थ्री पे क्लोरो, फाइनली बेंजीन। बट यही चीज़ अगर हमको लिखनी होती मान लो कॉमन नेमिंग में, और जनरली बेंजीन वगैरह के साथ ये कॉन्सेप्ट फॉलो किए जाते हैं, तो हमको पढ़ना पड़ता है। अब इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस इसको मिलेगा, तो ये दोनों पोजीशन क्या हो गई, ऑर्थो, ये दोनों हो गई मेटा और ये हो गया पैरा, ठीक है। तो अब देखो ये बेंजीन के साथ काउंट होगा जबकि ये मेटा पोजीशन पे होगा, क्योंकि मेजर तो ये है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एम क्लोरो और डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ठीक है। अब इनके साथ फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी आ सकते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एग्जांपल दिया था कि मान लो यहाँ पे OH लग गया, यहाँ पे क्लोरीन लग गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये बड़ा ग्रुप है तो ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे, तो हम क्या लिखते हैं, हमको स्ट्रक्चर का नाम पता है कि इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, फेनॉल। अब इसके टू पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो टू क्लोरो फेनॉल। बट अगर आईयूपीएसी की जगह पे हमको कॉमन नेमिंग में लिखना है, तो ये मेजर है तो ये पोजीशन ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो अब देखो फेनॉल तो एज इट इज रहेगा, बट अब इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, क्लोरो, ठीक। जैसे मान लो कभी उसने मुझे क्वेश्चन दे दिया, उसने बोला कि ओ पे क्लोरो लगाओ, एम पे ब्रोमो लगाओ और एक फेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। ये कॉमन नेमिंग है, या एग्जाम्स में कैसे करते हैं वो लोग, कभी कभार ये स्ट्रक्चर हमको देंगे और बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर भी बना के बताओ प्लस उसका आईयूपीएसी नेम बताओ, तो देखो कैसे होगा।
सबसे पहले पेरेंट चेन ड्रॉ करते हैं हम लोग। किसकी पेरेंट चेन है? फेनॉल की। तो बेंजीन बना लेने का और उस पर क्या लगा दो? OH ग्रुप। मैंने क्या बोला? ऑर्थोमेटा पैरापोजिशन फिक्स नहीं है, वो उनका ग्रुप डिसाइड करता है कि मेजर ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे OH हो गया हमारे पास। ठीक, अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो उसने बोला था ऑर्थो पे क्लोरीन लगाना है, तो चाहे तुम यहाँ पे क्लोरीन लगा लो चाहे यहाँ पे लगा लो। मेटा पे क्या लगाना है? ब्रोमीन। तो मेटा पे क्या लगाना है? ब्रोमीन। ऑप्शंस है हमारे पास कि तुम यहाँ पे भी ऐड कर सकते थे और यहाँ पे भी, दोनों का नाम सेम हो जाएगा। अब मेरा स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बनने के बाद मान लो उसने पूछा होता कि इसका IUPAC नेम बताओ, तो हम क्या करते हैं? IUPAC में हम लोग नंबरिंग का फॉर्मेट यूज करते हैं। अब इसी चीज को हम क्या लिखेंगे? 2 पे क्लोरो हो गया हमारे पास, 3 पे ब्रोमो, और ये क्या था हमारे पास स्ट्रक्चर? 6 पे चलते हैं। मान लो उसने मुझे बोला कि M, M डाइक्लोरो और O, P डाइब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये स्ट्रक्चर बनाओ प्लस इसका IUPAC नेम लिखो। तो क्या लिखेंगे? देखो, सबसे पहले तो बेंजीन बनेगा। बेंजीन पे ऑइक एसिड, ऑइक मतलब कौन सा एसिड होता है? कार्बोक्सिलिक। सपोज करो यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा लिया। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में मेटा और मेटा पोजीशन पे डाइक्लोरो है, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या हो गई? ऑर्थो। ये हो गई मेटा और ये हो गई पैरा। उसने क्या बोला है? दोनों मेटा पोजीशन पे क्या लगा दो? डाइक्लोरो। ठीक है, तो इस मेटा पे भी क्लोरीन डाल दिए, इस पे भी डाल दिए। अब बोल रहा है दो ब्रोमीन लगाने, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। तो ऑर्थो दो पोजीशन है, पैरा एक है, तो एक तो पैरा पे लग जाएगा BR और एक लगा दो किस पे? ऑर्थो पे। ये हो गया फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मान लो कि ये मुझे बोल दे कि इसका IUPAC नेम बताओ। तो काउंटिंग में बड़ा ग्रुप ये है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो अब ब्रोमीन कौन से नंबर पे? एक 2 पे है, एक 4 पे है। तो 2, 4 डाइब्रोमो, इसके बाद 3, 5 क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो, और फाइनली क्या स्ट्रक्चर है? बेंजोइक। समझ में आ रहा है? बहुत इजी फॉर्मेट होता है बेंजीन की नेमिंग का, हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनको। बट दोनों फॉर्मेट ध्यान में रखोगे क्योंकि कॉमन नेमिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है और IUPAC भी। जनरली क्या होता है कि IUPAC ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट ऐसे केसेस में नहीं होती है। ठीक है, ऐसे केसेस में हमको दोनों भी फॉर्मेट याद करके रखने पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 लगा दिया हमने, यहाँ पे BR लगा दिया। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप से ज़्यादा हैलोजन को प्रेफरेंस मिलता है। IUPAC फॉर्मेट क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और 5, 6। तो 3 पे हमारे पास क्या लग गया? मिथाइल, और 1 पे हमारे पास क्या आ गया? ब्रोमो, और ये स्ट्रक्चर किसका है? बेंजीन का। ठीक है, बट एक कॉमन नेमिंग बहुत फेमस है कि जब हम लोग बेंजीन पे CH3 लगाते हैं, ठीक है, तो बेंजीन पे जो CH3 लगता है स्ट्रक्चर को हम लोग टॉलबीन बोलते हैं, कॉमन नेम है ये। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, ये स्ट्रक्चर जो है वो मेरा टॉलबीन का है, तो इसके 1, 2, 3 मतलब ये अगर ग्रुप पे है तो ये दोनों ऑर्थो और ये दोनों मेटा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम ब्रोमो टॉलबीन। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अब इसका IUPAC क्या लिखें। तो टॉलबिन मतलब बेंजीन पे क्या होगा? मिथाइल ग्रुप होगा, और उसके रिस्पेक्ट में M पे क्या होगा? ब्रोमीन होगा। तो ये हमको पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलें, तो कभी भी जैसे OH ग्रुप है तो ये फेनॉल हो जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, मतलब इनका मतलब क्या हो गया? देखो कि यहाँ पे कितने कार्बन के एडिशन है? 2। मतलब ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास? इथाइल। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक कार्बन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल, राइट। तो इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th।
सेकेंड पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, इथाइल। फोर्थ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, मिथाइल। ठीक है, अब बेंजीन पे OH कौन सा ग्रुप होता है, ये हो गया। कॉमन नेमिंग लिखना है तो ये मेजर ग्रुप है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो ऑर्थो पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल। पैरा पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल। और फाइनली स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, राइट। तो जैसे मल्टीपल कभी आ जाते हैं हैलोजन्स, जैसे ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो इस स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, तो 1, 3, 5 क्या हो गया हमारे पास, ट्राई क्लोरो क्या मिलेगा, बेंजीन। ये IUPAC का फॉर्मेट हो गया। किसी एक क्लोरीन को ले लो ग्रुप पे, ये पोजीशन ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये पैर। अब क्या लिखेंगे, M, M, ठीक है, ये दो और ये थर्ड, ट्राई क्लोरो बेंजीन। समझ में आया। और इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इस ब्रोमीन को देखो, ये क्लोरीन को देखो और ये क्लोरीन। अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, यहाँ से अगर डिवाइड करो तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से करें तो भी इक्वल जा रहा है, और यहाँ से करें तो भी इक्वल जा रहा है, बराबर है। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरो। ये कुछ नेमिंग के फॉर्मेट है जो टेक्स्ट बुक वगैरह में यूज करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए ये। जैसे ये स्ट्रक्चर है, मान लो हर एक पोजीशन पे हम लोग ये लगा दें क्लोरीन, ठीक है, तो IUPAC का फॉर्मेट क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, हेक्साक्लोरो बेंजीन। बट इसी को अगर हमको कॉमन नेमिंग में लिखना है तो एक को ले लो ग्रुप पे, राइट। अब देखो दोनों ऑर्थो, दोनों मेटा और पैरा, तो O, O, M, M और P क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरो बेंजीन। ऐसे स्ट्रक्चर को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं BHC। BHC का मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, ये एक टाइप का इंसेक्टिसाइड होता है। ये जो मतलब छोटे मोटे जर्म्स वगैरह मारने के लिए BHC को यूज करते हैं, प्लांट क्रॉपिंग वगैरह फील्ड में जो डालते हैं ना इंसेक्टिसाइड, वहां पे BHC वगैरह हम लोग यूज करते थे। क्लियर हुआ कॉमन नेमिंग कैसे करना है और IUPAC नेमिंग कैसे करना है। सपोज करो यहाँ पे मैंने BR लगा दिए और यहाँ पे दो क्लोरीन डाल दिए, ठीक, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आंसर क्या, हमारे पास ये 1, 2, 1, 2 डाइब्रोमो, 4, 5 डाइक्लोरो क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये बेंजीन के दोनों फॉर्मेट की नेमिंग है। यहाँ पे हम लोग ने फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर्स हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, फिर अल्कोहल, फेनॉल, एथर, वहाँ पे हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ इनका जो नेमिंग है वो डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ हेलोएरिन्स की ज़रूरत थी, तो मैं खाली हेलोजन के सब्सटीट्यूएंट बता रहा हूँ, ये हेलोजन के सब्सटीट्यूएंट हमको क्या क्या नेमिंग फॉर्मेट देते हैं, ठीक है।